हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ एक ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर अपने स्लीव्स ले ली है। हम इसको बीच में से कट कर लेंगे और इसके दो पार्ट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपने स्लीव्स को बीच में से कट कर लिया है। अब हम आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अपनी दोनों स्लीव्स में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर यह हमें इस तरीके से हमारा जो उल्टा साइड है, यहाँ पर आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको एक बार और इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपने स्लीव्स में इस तरीके से एक तरफ सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरे पार्ट में भी इसी तरीके से आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने आस्तीन के दोनों पार्ट में यहाँ पर आधा आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। इसके बाद देखिए, हमें इस तरीके से 2 इंच की पट्टी तैयार करनी है कट करके। इस तरीके से मैंने 3-4 पट्टियाँ कट करके तैयार की है। अब हम इसको सिल लेंगे। तो इसको पहले इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करते हुए और यहाँ से भी इस तरीके से आधा इंच फोल्ड करते हुए इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आधे इंच की पट्टी इस तरीके से तैयार कर ली है सिल के। अब हम इसी तरीके से और भी पट्टियाँ सिल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आधे इंच की पट्टी सिल के तैयार कर ली है। अब हम इसको इस तरीके से 3-3 इंच की कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से 3-3 इंच की सारी पट्टियाँ कट कर ली है। अब हम इसको आस्तीन में अटैच करेंगे। अब हम अपनी आस्तीन का ये फर्स्ट वाला पार्ट लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमने आधा इंच पे कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई की थी, यहाँ पर इस पट्टी को इस तरीके से रख के यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से अपने आस्तीन के फर्स्ट पार्ट में ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम अपना जो आस्तीन का दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी ये पट्टी अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से अपने आस्तीन में ये पट्टी अटैच कर ली है। अब हम दूसरी वाली पट्टी इस तरीके से क्रॉस में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम सारी पट्टियों को इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने इस तरीके से सारी पट्टी रेडी कर ली है सिल के। अब हम इसको आस्तीन में अटैच करेंगे। ये जो हमने इस तरीके से ये पट्टी तैयार की है सिल के, अब हम इसको इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे। ये सारी पट्टियाँ हम इस तरीके से अंदर की तरफ अटैच कर लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, हमने अपने आस्तीन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये सारी पट्टियाँ इस तरीके से अटैच कर ली है। अब हम अपना जो ये सेकंड पार्ट है इसको भी इस तरीके से रखते हुए अच्छे से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने अपनी स्लीव्स का इस तरीके से पैटर्न बना के रेडी कर लिया है। अब हम एक 2 इंच की पट्टी कट करेंगे और यहाँ पर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 2 इंच की पट्टी कट की है। ये हम अपने आस्तीन का फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इस पर अपनी ये पट्टी को इस तरीके से उल्टा रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर ये पट्टी अटैच की है। अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने ये पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर में भी एक सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने अपनी स्लीव्स कंप्लीट कर ली है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू पैटर्न और न्यू डिज़ाइन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।